हर बार हम कोई ना कोई एक ट्रेंड बनाते हैं और हर बार लोगों का सिर्फ एक ही सवाल होता है उस ट्रेंड के खत्म होने के बाद कि सम्राट भाई इस चीज का कंक्लूजन क्या निकला। तो इस बार पहली बार मैं अपनी लाइफ में कोई ट्रेंड सेट करने के बाद उसके कंक्लूजन के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्यन खान के बारे में भी और साथ ही साथ हम बात करेंगे एक सरप्राइज वीडियो के बारे में भी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। खैर मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो शायद आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमने ये जो लड़ाई लड़ी थी इसमें जीत किसकी हुई। इन केस आपको नहीं पता तो फॉलो कर लो दोबारा इंस्टाग्राम पे। खैर तो गाइस जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जाकर उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको ये वीडियो क्लियर रहे कि इस वीडियो में क्या बात हो रही है। अब जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हुई उनको पता होगा कि हमने लास्ट वीडियो में किन को पहला था। जी हाँ, पहला था ये मलिच आमिर माजिद, मैटर के बारे में पता नहीं, कंट्रोवर्सी के बारे में पता नहीं, और दूसरा था ये राइसबैक सैमी। अगर ये वीडियो मेरे पास नहीं रहता तो पता है क्या होता, विक्टिम मैं बन जाता। बेसिकली हम लोगों ने मिलकर इन दोनों लोगों को एक लॉजिकल क्रिटिसिज्म दिया था जिसके बाद जिस तरीके का रिस्पॉन्ड आना होता उसी तरीके का आया। मतलब आप एक मलिच से और राइसबैक से क्या ही उम्मीद कर सकते। तो आइए पहले मैं आपको दिखा देता हूं मलिच का रिएक्शन। गुड़गांव लट मार भैया, देखो आ जाऊंगा गुड़गांव, आ जाऊंगा मारना मत मेरे को, देखो मैं ना बहुत डरता हूं, है ना। एक जानवर होता है जिसे कहा जाता है कुत्ता, और उस कुत्ते को लेके कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है कि कुत्ते की दुम को आप नली में 12 साल तक रखे रहो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो एग्जांपल जब मेरी दादी मुझे समझाती थी मुझे पता नहीं था कि इसका क्या सेंस होता है, बट आज मैं उस एग्जांपल को रिलेट कर पा रहा हूं इस आदमी के साथ। भाई 12 प्रो मैक्स के लिए कनाडा पहुंच के तुम्हारा भाई दिल्ली में बैठा है, दिल्ली में 14 प्रो मैक्स दिला दूंगा इसको मैं। देखो पहली बात आमिर, वो चीजें बोलो जो आप पूरी कर सको। दिख रहा है आपके चेहरे से कितनी फटी हुई है आपकी, आप किस तरीके से जबरन स्माइल कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो थोड़ी देर में दिख जाएगा। दूसरी बात आप जिस तरीके का ड्रेसिंग सेंस रखते हैं उससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि आपको आईफोन के बारे में कितना मालूम होगा और आपको एंड्रॉइड के बारे में कितना मालूम होगा। आपकी शक्ल देख के कोई भी गारंटी दे सकता है कि इस आदमी ने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मोबाइल कैनवास का जिंजर चलाया होगा, दैट्स इट। और इनकेस अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको लगता है कि डोनेट कर देना चाहिए, तो भाई मुझे कर दे। ऑन सीरियस नोट मेरे को कर दे, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी तेरे से फोन लेने में। पहली चीज तो आईफोन 14 आया नहीं क्योंकि एप्पल के इवेंट्स होते हैं, ये बाकी एंड्रॉइड फोन जैसा नहीं होता कि हर एक दो महीने में निकाल देता हो। तो तुमने सोचा होगा 13 आया एक डेढ़ महीने में, 14 भी आ गया होगा। अभी आईफोन का 13 मॉडल आया हुआ है, मेरे पास 11 है, मैं उसे बेच दूंगा, तो मुझे 13 प्रो ऑर्डर कर दे ब्रो। अबे ये तो था हमारे मलिच का रिएक्शन, अब देख लेते हैं हमारे राइस बैग का रिएक्शन। ऑल द टॉक्सिक पीपल आर वेलकम टू माय प्रोफाइल, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम लोगों के कमेंट से। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कदे कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। दोनों की स्टोरीज में दिख रही शक्लों से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनकी कितनी फटी हुई है। इनसे बोलते नहीं बन रहा लेकिन उसके बाद भी अकड़ देखो इनकी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम लोगों के कमेंट से। अब रही बात इस बात की कि इनको हेट से फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ कहने की और सुनने की बात है, क्योंकि सच्चाई जो वो आपको भी पता है मेरे को भी पता है। इनके आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, इन लोगों ने अपने कमेंट लिमिटेड कर रखे हैं, इन लोगों ने अपने मेंशन ऑफ कर रखे हैं, इनफैक्ट इन लोगों ने अपने जो मैसेजेस हैं प्राइवेट मैसेजेस हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। यूट्यूब पे इन लोगों ने कमेंट्स में फिल्टर लगा दिया, हम लोगों का आप लोग नाम लिखेंगे तो वो दो तीन मार के बाद गायब हो जाएगा। इसके बाद इनको स्टोरीज में आके भीख मांगनी पड़ रही है कि हमारी फोटोज को मेंशन करो ताकि हम आपको रीमेंशन कर सके, क्योंकि हर दूसरा बंदा गाली देने के लिए इनको मेंशन कर रहा है। अगर ये सब देखने के बाद भी हमको ऐसा लगे कि इनको हेट नहीं मिल रहा या फिर इनको हेट से फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, मेरी बेवकूफी है, या तो खुद रह ही रहे गलतफहमी में, तो इनको कुछ कहना ही नहीं है। नौ बात रही मेरे रिस्पॉन्स की, तो मेरे को तो भाई काफी टैग किया गया, बोला गया कि मेरे को अरेस्ट मत करा देना, सम्राट भाई एफआईआर मत कटवाना, देख भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता यार, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे बना, प्लीज सम्राट भाई रेडी हो ना, जल्दी आने वाला है। भाई मैं सीरियसली अपनी एनर्जी इसके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता, मतलब होता है कि इंसान जिसको अरेस्ट कराने में या फिर जिसके बारे में बात करने में मजा आता है। पहली बात मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं इनके ऊपर इतनी बात करूं, दूसरी बात इनकी औकात नहीं है कि मैं इनके बारे में बात करूं। तो ये दोनों चीजों को आप समझ लो। पॉइंट इज दैट जितनी वैल्यू ये रखते थे उतना मैंने इनको रिस्पॉन्स दे दिया, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं, उससे ज्यादा इनकी औकात नहीं। नाउ मेरी तरफ से ये टॉपिक पूरी तरीके से एंड है। हो सकता है भाई हमारे ऊपर डिस ले आए, डिस लाके हमारा करियर खराब कर दे, पहले तो इस गंवार को समझाओ। हम लोग हिप हॉप कल्चर से नहीं आते, हम लोग यूट्यूबर या एमवी रफ्तार वाला सीन भी नहीं होगा ब्रो, क्योंकि हम में से कोई भी रैपर नहीं है। और डिस करने से किसका करियर खराब हुआ है मुझे प्लीज एक बार बता देना भाई, जितने भी मैंने डिस वाले देखे उनका करियर बढ़ते ही देखा, डाउन होते हुए नहीं। बाकी मेरी तरफ से सिर्फ इतने रिस्पॉन्स था, मेरे को सीरियसली फर्क नहीं पड़ता ये मेरे ऊपर डिस निकाले, गालियां दें कुछ करें, भैया गालियां दें तो आप लोग उठा के रिपोर्ट मार देना, सीधा बोलो रिपोर्ट मार देना। कल्याण सिंह जी वाली लाइन याद रखना, बिना सोचे समझे जो तुम्हारे मुंह में आया वो बोल देना। इनके से अगर मुझे गाली नहीं दे फिर भी जाकर तुम बोल देना, क्योंकि इनको पता रहना चाहिए कि इनकी औकात क्या है। ठीक है गाइस, बाकी इनके ऊपर मेरा इतना
रिस्पॉन्स था। बात कर लेते हैं आर्यन खान के बारे में। लेकिन आर्यन ब्रो के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने बिनोमो को डाउनलोड किया? नहीं किया तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइस, बिनोमो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एप्पल स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, लाइक गूगल हो गया, एप्पल हो गया, बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, और तो और जैसे फॉरेन करेंसीज होती है, फॉर एग्जाम्पल यूएस डॉलर और यूरो। इसमें आप 90% तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट सिलेक्ट करना होता है और उसकी वैल्यू को फोरकास्ट करना होता है कि समय के रिगार्डिंग ये बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं 700 रुपीस का ट्रेड अब मैं कर देता हूँ और मुझे लगता है कि इस एसेट की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। थोड़ी देर वेट किया एंड यस, देखिए मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये जो अमाउंट है इसको आप अपने पेटीएम में या फिर बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, वो भी बहुत इजीली। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीस है और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। मेरी लिंक से डाउनलोड करेंगे तो 65,000 रुपए आपको अपने डेमो अकाउंट मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्लियरली बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करें, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी समझ से करें। थैंक यू सो मच गाइस। बिनोमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? तब बात कर लेते हैं आर्यन खान के बारे में। भाई आप आर्यन खान को तो जानते ही होंगे। क्या बोले, नहीं जानते? अरे आर्यन खान ब्रो, आर्यन खान सन ऑफ शाहरुख खान। साला कोई मेरे से आधा घंटा कॉल पे बात कर ले तो उसकी ग्रामर खराब हो जाए कसम से। हाँ तो भाई, हमारे ये जो आर्यन खान है उन्हें भी हाल ही में अरेस्ट किया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया है? क्योंकि ये क्रूज पार्टी कर रहे थे और उसमें ले रहे थे। एनसीबी ने डायरेक्ट छापा मारा और अरेस्ट कर लिया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो शाहरुख का बेटा था इसलिए इस मैटर को इतना ज्यादा उठाया जा रहा है। क्यों ना उठाया जाए? शाहरुख का बेटा अगर इतना ज्यादा इररिलेवेंट होता, आम आदमी जैसा होता, तो उसके इंस्टाग्राम पे 1.5 मिलियन फॉलोअर नहीं होते। जबकि ना वो एक कॉन्टेंट क्रिएटर है, ना उसने अभी तक कोई मूवी डेब्यू की है, ना ही कुछ लाइफ में उखाड़ा है, लेकिन उसके बाद भी उसके 1.5 मिलियन फॉलोअर है। क्यों? क्योंकि वो रिलेवेंट है। इसीलिए इस बारे में बात होगी और बार बार होगी, क्योंकि उसको लोग मानते हैं, रिलेवेंट मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं और वो है सेलिब्रिटी। भले वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हो, बट वो है सेलिब्रिटी। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि यार एसआरके का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है यार, कसम से मेरे को बिलीव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तुम समझते हो कि एक सेलिब्रिटी के बेटे के ऊपर या सेलिब्रिटी के ऊपर किस तरीके के प्रेशर होते हैं? तुम समझते हो? वो इस तरीके के नशे इसलिए करते हैं ताकि वो प्रेशर से बाहर निकल पाए। तुम समझ पाओगे इस फीलिंग को? कभी तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम इंसान हो, रणवीर इलाहाबादिया नहीं हो जो इस प्रेशर को समझ पाओ। इस डिसिप्लिन की वजह से कुछ कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं और उन मेंटल हेल्थ इश्यूज को टैकल करने के लिए ड्रग्स का, कभी कभी ड्रग्स से वीड करके LSD करके आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है तो उस टेंशन से दूर हट के आप चिल कर सकते हो। भाई सेलिब्रिटी है, उसको टेंशन रहता होगा। यूट्यूबर थोड़ी ना जो एकदम पीक टाइम पे जाता और एकदम ड्रॉप देखता है अपनी लाइफ में। मानता हूँ बॉलीवुड में 95% नेपोटिज्म है और 5% ओरिजिनल टैलेंट है, बट क्या हुआ? क्या हुआ? यूट्यूब पे भले 99% ओरिजिनल टैलेंट हो, 1% नेपोटिज्म हो, बट क्या हुआ? यूट्यूबर यूट्यूबर रहेगा, बॉलीवुड वाला रहेगा, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, वो ड्रग्स कर सकता है। भाई तुम कौन हो तो सवाल करने वाले? एनसीबी कौन होती है भैया छापा मारने वाली? जब रणवीर इलाहाबादिया ने ये क्लेम कर दिया, बता दिया, तो बस मान लो ना इस बात को। खैर मेरा रणवीर ब्रो से कोई बीफ नहीं है, सीरियसली मैं नहीं देखता इस तरीके कॉन्टेंट या पॉडकास्ट, बट स्टिल जब मैंने वीडियो देखी थी तभी सोचा था कि इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूं, बट ठीक है, भगवान अपने आप मौके बना देता, आज बना दिया, मैंने रिप्लाई दे दिया। रही बात अब मेरी प्रेडिक्शन की, तो यू नो मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं या बोलता हूं वो चाहे मोदी जी सुने या कुछ भी हो, सच निकल जाता है। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है, हफ्ते भर इसको अरेस्ट रखा जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जमानत मिलेगी, 5-6 महीने केस चलेगा, उसके बाद ये सॉरी बोलेगा, बाद में जाके करण जोहर कोई शेरशाह जैसी मूवी बना देगा, उसमें इसको लॉन्च करा देगा। तो हो गया ना फैसला, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, कुछ नहीं होना। नाव मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है तुम अपना गुस्सा निकालो, तुम्हें प्यार आ रहा है तुम अपना प्यार निकालो, लेकिन प्लीज ये फेक न्यूज मत फैलाओ। अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पिक सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। हाल फिलहाल फेसबुक और इंस्टाग्राम तो डाउन है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये पिक काफी ज्यादा वायरल हो रही थी और इसमें कहा जा रहा था जो एनसीबी का ऑफिसर है वो आर्यन को अरेस्ट करने से पहले उसके साथ एक सेल्फी ले रहा था। इस पिक के वायरल होने के बाद एनसीबी को खुद आके स्टेटमेंट देना पड़ा कि भाई ये ना हमारा कोई बंदा है, ना हमारा ऑफिसर है, ना इससे हमारा कोई रिलेशन है, एक रैंडम पिक्चर जो कभी ली गई होगी, हमारा ऑफिसर नहीं है। तो प्लीज ऐसे रूमर्स मत फैलाया करो, एनसीबी के पास बहुत सारा काम होता है। एनसीबी कितने प्रेशर में होती है ना ये आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं। और एनसीबी इस वक्त महाराष्ट्र में छापेमारी कर रही है। आप समझ रहे हो हमारे देश के किस स्टेट में काम हो रहा है? यहां पे वर्ल्ड नहीं, इस यूनिवर्स के बेस्ट सीएम है। अगर इतने बेस्ट आदमी के कंट्रोल में काम होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो प्लीज इस तरीके के रूमर्स मत फैलाएं, एनसीबी को उनका काम करने दें और जल्दी व्हाइट वॉशिंग भी शुरू हो जाएगी तो मेरे को पता नहीं क्या जरूरत है, अपने आप ही आपको मीडिया में दिख जाएगा। राजदीप ब्रो कब जा रहे हो इंटरव्यू लेने? तो गाइस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो अगली वीडियो वो आने वाली स्पॉन्सरशिप्स के ऊपर। वो वीडियो काफी ज्यादा सीरियस है, काफी ज्यादा बड़े बड़े एलिगेशंस मैंने बड़े बड़े लोगों पे लगाए हुए हैं। इंडिया के कम लोग हैं, इंडिया के भी काफी ज्यादा रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन जो आसपास की कंट्रीज हैं उनमें मैंने ज्यादा सर्च किया है और उनके बारे में ज्यादा फैक्ट्स दिए हैं, क्योंकि वो चीज जो कर रहे हैं ना उससे हमारा इंडिया का भी नाम खराब हो रहा है, साथ साथ उनका तो हो ही रहा है, खैर उनका क्या होगा, पहले से खराब है। तो अगली जो वीडियो मेरी आ रही है ना वो काफी ज्यादा सीरियस है, एंड खासकर वो जो वीडियो वो सिर्फ मेरे यूट्यूबर्स भाई लोगों के लिए, क्योंकि वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आम ऑडियंस।
कमेंट से। उस वीडियो का इंतजार कीजिए, उससे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दे दीजिए एंड साथ ही साथ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सिर्फ 10-11 हज़ार फॉलोअर दूर हम 1 लाख फॉलोअर से। एंड दिल से थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी लास्ट वीडियो पे 99K लाइक्स कर दिए अभी तक। 1.5 हज़ार लाइक और बचे तो वो कर दोगे तो 100K लाइक हो जाएगा। तो मतलब काफी दिनों बाद मैंने देखा 100K लाइक मेरी वीडियो पे। एंड सीरियसली बोलूं तो इतने के बाद तुम्हें भी समझ आ जाना चाहिए कि मेरी जो चैनल है उसकी रीच को किस तरीके से रोका गया। मैं कभी रोना नहीं करता, ऑन सीरियस नोट मैं नहीं करता, मैं खुश हूँ, जितना हो रहा उससे भी खुश हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई 1 लाख लाइक आ रहा है तो डेफिनेटली उस वीडियो को 1.5 मिलियन जाना चाहिए। बट नहीं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, वो जैसा जैसा यूट्यूब करना चाहे वो कर सकता है। मुझे सीरियसली मैं रीच का नहीं रो रहा हूँ, ना मैं तुमसे कहता हूँ, बस इतना कहता हूँ इंस्टा पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना ही है। बाकी 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 तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है, बोलिए मेरे साथ जय श्री राम।